सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक पर फॉलो बटन कैसे ऑन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर, MS टकाटक पर, हर जगह पर आपको फॉलो करो का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो क्यों ना आप भी अपने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह फॉलो बटन ऑन करें। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि आप भी अपने फेसबुक पेज पर या फेसबुक पर जहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन आता है वहाँ पे आप फॉलो बटन को लगा सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ हम आपको सिखाएंगे कि आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह फॉलो बटन ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो फॉलो बटन ऑन का ऑप्शन है उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों को फेसबुक आईडी बनाए कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं। उन लोगों का 1 मिनट में फॉलो बटन ऑन हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने फेसबुक आईडी नई बनाई है उन लोगों को आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिटी वेरीफाई करते ही उनका भी फॉलो बटन ऑन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ सिखाता हूँ बहुत ही सरल और आसान भाषा में सिखाता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हम ऐसे ही नए से नए टिप्स और ट्रिक्स बताते रहें और नई से नई नॉलेज आपको सिखाते रहें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सिंपल सा आपने क्या करना, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, जो फेसबुक आपका उसको आपने अपडेट कर लेना है। सबसे पहले आपने यही काम करना है, आपने यहाँ पे लिखना है फेसबुक और फेसबुक को आपने क्या करना है, अपडेट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको अपडेट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, अगर आपका अकाउंट 2 से 3 साल पुराना होगा तो आपका जो फॉलो बटन है वो 1 सेकंड में ऑन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट न्यू है तो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फेसबुक है वो अपडेट हो रहा है। दोस्तों, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखकर आपने यहाँ पे फॉलो बटन को ऑन करना है। कहीं आप बाद में बोलोगे हमारा ऑन नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है और अपना जो है फेसबुक पर फॉलो बटन ऑन कर लेना है। दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में ये आपका फेसबुक अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो फेसबुक है वो अपडेट हो चुका है और हमारे पास यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपने क्या करना है, ये ओपन वाले ऑप्शन पे टच करना है। जैसे दोस्तों आप ओपन वाले ऑप्शन पे टच करोगे तो आपका जो फेसबुक है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने ओपन वाले ऑप्शन पे टच किया तो हमारा जो फेसबुक है वो ओपन हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे 3 लाइन पड़े हुए हैं, आपने ये 3 लाइन पर टच कर देना है दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना, ये देख सकते हो दोस्तों, आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना, सबसे लास्ट में आ जाना है। जैसे आप सबसे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग आउट, लॉग आउट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग प्राइवेसी। तो आपने क्या करना है, सेटिंग प्राइवेसी के ऊपर टच कर देना है। जैसे आप सेटिंग प्राइवेसी के ऊपर टच करोगे दोस्तों, वैसे ही आपके पास फिर से एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने सेटिंग के ऑप्शन पे टच कर देना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फिर से आपने लास्ट में जाना है। तो दोस्तों, जैसे आप लास्ट में आ जाओगे उसके बाद थोड़ा सा आपने स्क्रीन को नीचे करना है। जैसे आप स्क्रीन को नीचे करोगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो ओवर एंड पब्लिक कॉन्टेंट। तो आपने क्या करना है, इस पे टच कर देना है। इस पे जैसे हम टच करेंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हो साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड एंड पब्लिक कंटेंट। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करना है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है फ्रेंड पे, तो आपने क्या करना है, ये पब्लिक वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। ये जो टिक है आपने पब्लिक वाले ऑप्शन पे लगा देना है, वैसे ही आपने नीचे की साइड फिर करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहले से पब्लिक्स पे लगा हुआ है। अगर आपका फ्रेंड पे या ओनली मी पे लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, पब्लिक पे टच करके पब्लिक पे डॉट लगा देना है, फिर आपने स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर से आपने वही काम करना है, इसे पब्लिक पे टच करके पब्लिक पे डॉट लगा देना है। अगर दोस्तों आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पे लगा हुआ है या अकेला फ्रेंड पे लगा हुआ है तो आपने सिंपल सा पब्लिक पे लगा देना है। उसके बाद फिर से हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉट लगा होगा नो ऑन पे या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पे, तो आपने इसको क्या करना है, एवरीवन पे लगा देना है। जैसे यहाँ पे मेरा पहले से लगा हुआ है, एवरीवन पे डॉट लगा हुआ है, उस पर आपने टच करके फिर एवरीवन पे डॉट लगा देना है। फिर उसके बाद नीचे से स्क्रीन ऊपर करना है, फिर आपने पब्लिक पे डॉट लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो नीचे के साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट रैंकिंग। अगर आपने कमेंट रैंकिंग भी देखना है तो आपने इसको ऑन कर देना है, अगर नहीं देखना है तो इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी जो लास्ट में ऑप्शन आता है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ फेसबुक प्रव्यू। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा इसको ऑन कर देना है।
करना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड का टिक लगा हुआ है, इसको बैक कर लेना है और आपका जो है वो पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा होगा उसकी जगह पे दोस्तों आपका यहाँ पे फॉलो बटन ऑन हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही काम करना है आपने और आपका जो है फॉलो बटन ऑन हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने दो वीडियो बनाए थे, एक तो मैंने बनाया था फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए और एक मैंने बनाया था फेसबुक का नाम चेंज करने के लिए, ये दोस्तों मैंने तीसरा वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि आप अपने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह पर फॉलो बटन कैसे ऑन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।